नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव जैन और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इन माय फ्रेंड्स में। आज मैं आया हुआ हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज मैं जा रहा हूं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वंदे भारत ट्रेन से। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मेरी पहली जर्नी है वंदे भारत ट्रेन से। और जैसे ही अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम बाकी है, जैसे ही ट्रेन आएगी मैं आपको ट्रेन और ट्रेन के अंदर और आगे की जर्नी सब कुछ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, बहुत ही स्टाइलिश लुक है इसका, बिल्कुल बुलेट ट्रेन्स की तरह या यूरोप में जैसी ट्रेन्स होती हैं बिल्कुल वैसा लुक है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर का केबिन, पूरा एसी, बहुत ही अच्छी बैठने की व्यवस्था और सामने पूरा कंट्रोल पैनल जिस पे ट्रेन से संबंधित हर जानकारी उनको मिलती है। तो आइए चलते हैं अब अपने कोच की तरफ और आपको अंदर से मैं कोच दिखाता हूँ। ये हमारा कोच है, जैसा शताब्दी का होता है लगभग वैसा ही कोच है, सिर्फ खिड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं इन कंपैरिजन टू शताब्दी। सब लोग अपना अपना सामान रखने में लगे हुए हैं और ये है हमारी सीट्स। ये देखिए बाहर से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। इसमें अंदर जाने का जो डोर है ये सब डोर्स ऑटोमेटिक हैं। आपके नज़दीक आते ही ये डोर अपने आप खुल जाएंगे। इत्तफाकन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पहचान लिया। और ये लोग भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और इस ट्रेन के सारे डोर्स यानी कि जो मेन डोर्स हैं और जो कोचेस के डोर हैं वो सब डोर्स ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि ट्रेन के चलने का टाइम हो रहा है, अब ये डोर्स बंद होने वाले हैं। ये देखिए ये डोर्स क्लोज हो गए। इस ट्रेन में दो टॉयलेट्स हैं, एक वेस्टर्न और एक इंडियन। आइए मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये देखिए ये वेस्टर्न टॉयलेट है, इसका साइज शताब्दी के टॉयलेट के बराबर ही है बिल्कुल, लेकिन उससे ज़्यादा मॉडर्नाइज और नीट एंड क्लीन है। ये इंडियन टॉयलेट है, इसका भी साइज उसके बराबर है लेकिन ये भी थोड़ा मॉडर्नाइज और नीट एंड क्लीन है।
दोस्तों, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर और अभी ये ट्रेन उसी स्पीड पे चल रही है। आइए इस ट्रेन के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ, तब तक आप बाहर के नज़ारों का आनंद लीजिए। सुबह होने वाली है, सनराइज होता हुआ। इस ट्रेन में टोटल 14 कोचेज हैं, जिसमें से 12 कोचेज चेयर कार हैं और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं। दिल्ली से कटरा तक का चेयर कार का किराया 1300 रुपये पर पर्सन है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2600 रुपये पर पर्सन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस ट्रेन की खासियत है कि इसके सारे डोर्स ऑटोमेटिक हैं और अगर आप गलती से स्टेशन पे रह गए तो आप किसी भी तरह से अंदर नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर स्टेशन पर ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है। ये देखिए, आपको कोच दिखाई दे रहा है अंदर से लोग बैठे हुए, और इसकी जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे साइज़ की दी हैं, जिससे आप बाहर का नज़ारा पूरा ले सकें और उसका पूरा आनंद ले सकें। ये देखिए, अब अंबाला स्टेशन आ गया है। यहाँ ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकेगी, इसलिए लोग देखिए बहुत फुर्ती से ट्रेन में चढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब ट्रेन लुधियाना से अंबाला से चल चुकी है और नेक्स्ट स्टेशन लुधियाना आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन काफ़ी मॉडर्नाइज है, लेकिन इसमें 2 बेसिक फ्लॉज हैं। पहला कि इस पूरी ट्रेन में आपको कहीं भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो, अदरवाइज़ आप मुश्किल में आ सकते हैं। दूसरा, इस ट्रेन की कोई भी सीट रिक्लाइनिंग नहीं है, यानी कि उसको आप पीछे करके आराम से लेट नहीं सकते। ये देखिए, अब लुधियाना जंक्शन आने वाला है, और ये देखिए, ये ट्रेन की एग्जीक्यूटिव चेयर कार है 2x2 की। तो एक मिनट के लिए मैं भी लुधियाना जंक्शन पे उतरा, लेकिन मुझे पता है कि ट्रेन बहुत जल्दी चल देगी, इसलिए मैं तुरंत अपने कोच में वापस चढ़ गया। दोस्तों, लुधियाना से ट्रेन निकल चुकी है, ये देखिए नदी पार करती हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा तक की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये सुबह 6 बजे नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और दोपहर 2 बजे ये कटरा पहुंच जाती है। देखिए, अब ये जम्मू तवी स्टेशन आ गया, यहाँ भी ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। अब ट्रेन जम्मू तवी से चल चुकी है कटरे के लिए। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से सफ़र करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू तवी से लेकर कटरा तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप खिड़की से बाहर देख पा रहे होंगे। इस रास्ते में जम्मू तवी से कटरा तक छोटी बड़ी मिला के तकरीबन 25 टनल्स इस रास्ते में आती हैं, और जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है पूरा अंधेरा छा जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। अगर आप इस ट्रेन से जाएं तो इसको एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नदियां, पहाड़, और देखो दोस्तों, अब ये दिखाई दे रहा है माता वैष्णो देवी का पहाड़।
बस अब हम कटरा पहुंचने ही वाले हैं कुछ टाइम में। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कटरा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोविड टाइम्स में कटरा पर आपकी चेकिंग होगी, या तो आपके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए 72 घंटे से पुरानी नहीं, या आपके पास फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका स्टेशन पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें। अब हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं कटरा के हेलीपैड पे, क्योंकि हमारी यहाँ से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग है। टिकट्स वगैरह दिखा के हमने बोर्डिंग पास ले लिया है और अब हम वेट कर रहे हैं अपने टाइम का, जब हम हेलीकॉप्टर में बैठ के सांझी छत तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ कटरा से सांझी छत का हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया 1800 रुपये पर पर्सन और दोनों तरफ का किराया 3600 रुपये पर पर्सन है, और ये आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अभी पता लगा है कि ऊपर मौसम ख़राब होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर गया था वो वापस आ रहा है, और अब कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। अगर ये दोबारा स्टार्ट नहीं होती है तो हमें फिर पैदल या घोड़े पर जाना होगा। दोस्तों घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू नहीं हो पाई, और इसलिए अब हम घोड़े पे बैठकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे, और अब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। यहाँ थोड़ी बारिश हो के चुकी है, अब तो लगभग बंद हो गई है, लेकिन इससे मौसम में थोड़ी ठंडक हो गई है। ये देखिए शाम के खूबसूरत नज़ारा, सूरज की लालिमा बादलों पे पड़ रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश हो रहा है। ये देखिए कटरा शहर ऊपर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिजलियों से जगमगाता। और दोस्तों अब हम भवन पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ आई हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले डिनर कर लें और उसके बाद दर्शन किए जाएं। यहाँ अब खाने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आपको साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हर तरह के भोजन यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दर्शन के टाइम पर कोई भी मोबाइल कैमरा वगैरह ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है, तो फिलहाल मैं आपसे यहाँ एक ब्रेक लूँगा, और कल सुबह जब मैं यहाँ से वापस निकलूँगा तब आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
रात को माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अब मैं वापस निकला हूँ सांझी छत की तरफ अपना हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए। ये आप देख रहे हैं भवन का मनोरम दृश्य। ये देखिए, आपको एक नीचे हेलीपैड दिखाई दे रहा होगा, ये वीआईपी हेलीपैड है और जो वीआईपी लोग नेता वगैरह यहाँ आते हैं उनके हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर उतारे जाते हैं। सूरज निकल चुका है, बहुत ही खूबसूरत सुबह यहाँ की, बड़ी फ्रेश हवा यहाँ मिल रही है। दोस्तों, अब हम हेलीपैड पर पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। ये देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर आप देख रहे होंगे, ये कटरा से आ रहा है और यहाँ पर पैसेंजर्स को उतारेगा और फिर यहाँ से पैसेंजर्स लेके कटरे के लिए उड़ेगा। दोस्तों, अब हमारी बारी बस आ गई है और ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं उतर रहा है, शायद इसी में हमारा नंबर आ जाए। देखिए, एक तरफ से लोग उतर रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा है। बहुत ही रोमांचक यात्रा होती है ये, और ये सांझी छत से कटरा या कटरा से सांझी छत सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम लेती है। इसमें दो ऑपरेटर्स काम करते हैं, एक हिमालयन और एक ग्लोबल वेक्टर, तो आप दोनों की बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा समय है तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कटरा मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, और हम यहाँ मार्केट में आ गए क्योंकि ट्रेन 3 बजे चलती है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लंच करके ही स्टेशन पर जाएं। अब हम कटरा स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। देखिए कितना सुंदर स्टेशन है, क्योंकि बिल्कुल नया बना हुआ है, तो एकदम मॉडर्न डिज़ाइन और काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है ये स्टेशन। जाते हुए आपकी कोई कोविड की रिपोर्ट की चेकिंग नहीं होती है, बस हमको अपना सामान इस स्कैनर में डाल के बस वही चेक कराना होता है, बाकी और किसी तरह की चेकिंग जाते हुए यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ये देखिए, स्टेशन के अंदर ऊपर फूड हॉल और पैसेंजर्स के वेट करने के लिए वेटिंग हॉल बना हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये एयर कंडीशन्ड वेटिंग हॉल है फॉर पैसेंजर्स, और इसके साथ में ही राइट हैंड साइड को ये फूड कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर आप जलपान, लंच, डिनर कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए
वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये 3 बजे यहाँ से चलेगी और रात को 11 बजे नई दिल्ली स्टेशन आपको पहुँचा देगी। एक आखिरी बार ये पूरा दृश्य मैं कैप्चर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। वहाँ वैष्णो देवी का पहाड़, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सब कुछ। अब ट्रेन के चलने का टाइम हो रहा है, तो आइए चलते हैं कोच के अंदर। दोस्तों, आजकल कोविड की वजह से वंदे भारत में कोई भी कैटरिंग सर्विस जो टिकट के साथ होती थी वो नहीं हो रही है। तो अगर आपको कुछ लेना है, टी, कॉफ़ी या पैक्ड फूड्स, तो आप पेमेंट करके ले सकते हैं। ये देखिए शाम का खूबसूरत नज़ारा, सूरज डूबता हुआ। दोस्तों, अब कुछ ही घंटों में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।